हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का योगा एंड लाइफस्टाइल। आप क्लास 12 में आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉपी कैसे बनानी है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है आपको नोट्स योगा एंड लाइफस्टाइल का। सबसे पहले आप योगा एंड लाइफस्टाइल को डिफ़ाइन कर दीजिए कि जैसा कि आप जानते होंगे। और इसमें मेनली 4 टॉपिक पढ़ना है, जो कि नंबर 1 है ओबेसिटी, उसके बाद डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। यही 4 मेनली पढ़ना है। तो आप यहाँ पे ओबेसिटी को डिफाइन करके इस प्रकार लिख लीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओबेसिटी क्या होती है? ड्यू टू ओवर फैटनेस की वजह से ओबेसिटी होती है। और इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। के बाद हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सा आसन परफॉर्म करना चाहिए ड्यूरिंग द ओबेसिटी। तो नंबर 1 है वज्रासन। वज्रासन कैसे होता है? कुछ इस प्रकार का पोज होता है वज्रासन का। आप यहां से वज्रासन को डिफाइन करके वज्रासन का आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद इसकी बेनिफिट क्या होती है वज्रासन की? ये इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन में, इन सब में इम्प्रूव करता है, और ये सबसे बेस्ट होता है ओबेसिटी के लिए। उसके बाद आप यहाँ से कंट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं कि हमें क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहिए। अगर कोई भी जॉइंट पेन हो तो हमें ये वज्रासन नहीं करना चाहिए। वज्रासन के बाद आते हैं नेक्स्ट त्रिकोणासन। त्रिकोणासन क्या है, उसकी प्रोड्यूसर क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है? प्रोसीड्यूर आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ डायग्राम इस प्रकार का होता है, इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। आते हैं इसके बेनिफिट पे। इसका बेनिफिट क्या क्या है आप यहाँ से बेनिफिट देख के लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट मैंने बनाया हुआ लिखा हुआ है, जैसे आप बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इसका कंट्राडिक्शन क्या क्या है। आप यहाँ से इसके कंट्राडिक्शन को भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं डायबिटीज़ क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं शुगर लेवल होता है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ का सिम्टम क्या क्या है तो आप यहाँ से सिम्टम देख लीजिए क्या होता है। टायर्डनेस फीलिंग होती है इसमें डायबिटीज़ में। और इसमें कौन कौन सा आसन परफॉर्म करना चाहिए? तो भुजंगासन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीड्यूर क्या है, आप यहाँ से प्रोसीड्यूर देख सकते हैं भुजंगासन का। अब फिर उसके बाद आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे कि कैसे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इस तरह का पोज होता है भुजंगासन में, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है आप यहाँ से बेनिफिट देख लीजिए कि ये बेस्ट होता है ओबेसिटी के लिए भी बेस्ट होता है, डायबिटीज़ के लिए भी, दोनों के लिए बेस्ट है। और उसके बाद कंट्राडिक्शन क्या है इसका, कंट्राडिक्शन यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं पश्चिमोत्तासन भी हमें डायबिटीज़ में परफॉर्म करना चाहिए, जो कि बिल्कुल इस पोज में होता है पश्चिमोत्तासन। आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या प्रोसीड्यूर है, और इसको 10 to 12 टाइम परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद करते हैं इसके बेनिफिट की। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है आप यहाँ से बेनिफिट आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसका कंट्राडिक्शन क्या क्या है, हमें क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहिए। इस यहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन दिया हुआ है, आराम से आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिजीज अस्थमा पे। अस्थमा क्या है कि लंग में जो एयर वेज होते हैं वो ब्लॉक होने के कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसी को कहते हैं अस्थमा। अस्थमा क्या है ये पूरा डिफाइन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके सिम्टम की। देख सकते हैं अस्थमा का सिम्टम, ठीक। अस्थमा को पहले यहाँ पे डिफाइन करके अस्थमा का सिम्टम लिख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सा आसन हमें अस्थमा परफॉर्म करना चाहिए, तो चक्रासन है। इसका प्रोसीड्यूर क्या है आप यहाँ से प्रोसीड्यूर देख सकते हैं। और चक्रासन कुछ इस प्रकार से पोज होता है, आप शायद जानते हैं। इसके पास आते हैं बेनिफिट में। इसका बेनिफिट क्या क्या है
चक्रासन का, तो इसका बेनिफिट आप देख सकते हैं। और इसका कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शन चक्रासन का यहाँ से लिख सकते हैं। और होता है पर्वतासन, पर्वतासन ये अस्थमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका क्या क्या प्रोसीड्यूर है देखिए, यहाँ पे प्रोसीड्यूर आप यहाँ लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का पोज होता है पर्वतासन में। उसके बाद बात करते हैं इसकी बेनिफिट की, इसकी बेनिफिट क्या क्या है, आप यहाँ से बेनिफिट लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्राडिक्शन इसका क्या है, यहाँ से कंट्राडिक्शन लिख सकते हैं। आते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जैसा कि हम कॉमनली जानते हैं जिसे बीपी कहते हैं, बीपी, बीपी के नाम सुन के हमें लगता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है नॉर्मल पर्सन का तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या क्या प्रोसीड्यूर है, कैसे कैसे होता है, क्या हाइपरटेंशन होता है, सब मैंने लिख चुका है, आपको दिखा रहे हैं, बस आप यहाँ से देख के आराम से अपनी कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सा आसन परफॉर्म करना चाहिए, तो ताड़ासन है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है, यहाँ पे प्रोसीड्यूर है, आप आराम से लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का पोज होता है, कुछ इस प्रकार का पोज होता है ताड़ासन में। इसके बाद बात करते हैं इसकी बेनिफिट की, तो इसकी बेनिफिट क्या है, आप यहाँ से बेनिफिट देख सकते हैं। और कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शन यहाँ से आप लिख सकते हैं। बात करते हैं पौनमुक्त आसन की, जो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या प्रोसीड्यूर है, और कुछ इस प्रकार का होता है इसका पोज। और बात करते हैं इसकी बेनिफिट की, तो इसकी बेनिफिट देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये लोअर बैक पेन जो होता है ये सबको भी रिलीफ करता है। और इसका कंट्राडिक्शन यहाँ पे देखिए, तो कंट्राडिक्शन इसका यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, आई होप यू विल बी लर्न बेटर फ्रॉम हेयर। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बेल आइकन फॉर मोटिवेट अस फॉर मेकिंग मोर वीडियो। ओके, थैंक यू।